आप देख रहे हैं लाइव आज हर खबर आप तक। जनपद बिजनौर चांदपुर में जनपद हाथरस क्षेत्र में रेप की शिकार हुई युवती की घटना को लेकर राष्ट्रीय लोक दल कार्यकर्ताओं ने आज सोमवार को चांदपुर स्थित चरण सिंह चौक पर पहुंचकर प्रदर्शन कर पुलिस क्षेत्राधिकारी व उप जिलाधिकारी चांदपुर के माध्यम से राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा, जिसमें 4 अक्टूबर दिन रविवार को हाथरस पहुंचे राष्ट्रीय लोक दल के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जयंत चौधरी तथा कार्यकर्ताओं पर पुलिस द्वारा लाठीचार्ज कर बर्बरता पूर्वक किए गए कृत्य की राष्ट्रीय लोक दल ने निंदा की। राष्ट्रीय लोक दल के बिजनौर के जिला अध्यक्ष अशोक चौधरी ने कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार बिना वजह नेताओं पर लाठीचार्ज करवा कर अपनी ऊंची मानसिकता को दर्शा रही है। आज न्यूज चैनल के लिए जनपद बिजनौर के तहसील चांदपुर से रिपोर्टर शेख शमीम अहमद की रिपोर्ट। और सूचना देने के बाद गए थे क्योंकि राष्ट्रीय लोकदल कभी चोरी छुपे की राजनीति नहीं करती। 5 आदमियों को ना परमिशन मिली, 5 आदमियों ने जाएंगी बात जैसे मैं मीडिया से कहता हूँ उस तरह से होंगी बात। 5 में 7-8 हो गए होंगे, ये तो होगा पीछे का आदमी राजनीति वो आप खत्म हो जो निंदनीय है। ऐसे अनुशासित खानदान से है पहली बात, दूसरी बात ऐसा अनुशासित दल है, ऐसा सबको जिसका नेतृत्व करते हैं किसान कितना अनुशासित है, सब चीज बर्दाश्त है, तो किसान के नहीं अन्याय है, निंदनीय है। इसमें हमने ज्ञापन दिया है या फिर उनके खिलाफ मुकदमे कायम करें, और अगर उनके खिलाफ मुकदमे कायम होते तो जन आंदोलन रहता भी उसी भाषा में हमने इन्हें जवाब देना, जिस भाषा में वो चाहते हैं सरकार को उसी भाषा में जवाब देना। प्रशासन क्या करे, प्रशासन को आदेशों में वो करेगा, सरकार किसी की हो, लेकिन अगर सरकार ये चाहती है, योगी जी मोदी जी ये चाहते हैं कि देश का मैं राष्ट्रपति हूँ, मैं मालिक हूँ, तो देश का इसका मालिक 80% जनता है, 80% किसान है, उसका मालिक वो है। किसान की आवाज़, मजदूर की आवाज़ गवाही, इसके लिए हम प्रतिबद्ध, इसके लिए हम संकल्प प्रतिबद्ध।